सर ना वो क्या वैसे सीन हुआ था, मैं चाहती हूँ जरा दोबारा भी बताएगा, क्योंकि मुझे कभी कभी ना लोगों पे भी लगता है कि देखिए हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं और आपके साथ अपनी चीजें शेयर करते हैं ताकि आप कहीं किसी ना किसी तरीके से एंटरटेन भी हो, लेकिन उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होता, और आपने किसी ऐसे शख्स के सवाल पे आपने कोई रिस्पॉन्ड कर दिया जो कि आपने एक मजाक किया था, लेकिन वो बात ऐसी बढ़ गई उसके बाद लोगों ने कहा कि हाँ भाई शर्म की वाकई इंस्टाग्राम से हमारे भाई साहब की पिक्चर भी नहीं है। सो ये है ना, लोग हमेशा ये पूछते हैं कि ओ अलाय की बर्थडे है तो देखे इनके हस्बैंड नहीं है, और इस बर्थडे पे भी अरे कैसे होंगे, मेरा मियाँ पायलट है वो फ्लाई करेगा या बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, ऑब्वियसली तो बेसिक इवेंट्स पे कसाम को जब नहीं देखा, और ऑब्वियसली मेरी बहन की ढोलकियाँ हो रही थी तो उस वक्त कसाम नहीं था, तो कसाम वॉज देयर फॉर द निकाह, बट ऑब्वियसली वो भी काम करता है, कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो 15-20 दिन की छुट्टी लेके आ जाए और अपना यू नो ढोलकियों पे भी हो, हम कर सकते हैं छुट्टी जब हम मॉर्निंग शो लाइव एग्जैक्टली, तो हर किसी का काम है, वो आई थिंक वो इनक्विजिटिव होते थे कि क्यों नहीं है, तो पता नहीं किसी ने कुछ लिखा कि इनकी तो आई थिंक ये लोग अलग हो गए हैं, मैंने कहा हाँ आपकी वजह से, मैंने ऐसी कर दी हाँ हाँ आपकी वजह से, एंड इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन और हर जगह यू नो सेपरेशन और ये और वो, मैंने कहा ओ माई गॉड, अच्छा मैं कोई रिस्पॉन्स दे, मैंने कहा जब एक बात झूठ है तो आप क्यों उसके ऊपर बात करें, मैं कुछ लिफ्ट ही नहीं कराई थी, उनकी फैमिली को कॉल आने लग गई, मतलब दिस इज सो डिस्टर्बिंग ना, एक शादी एक मैरिज एक निकाह इतना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह का पसंदीदा रिश्ता और आप इस तरह की बात फैला रहे हैं, और लोग क्लिक्स के लिए करते, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों की लाइफ होती है एक सर्टन बाउंड्री होती है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, सो देन ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स को कॉल आने लग गई, बड़ा अफसोस हुआ ये वो, मेरी अम्मी बेचारी को आने लगी, अम्मी कह रही है व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ना मैंने कहा अम्मा कुछ नहीं होता, जस्ट गो विद द फ्लो, लेकिन डांट वगैरह पड़ी कि लोग कहते हैं कि तुम ना ही कमेंट करती तो बेहतर था, उसको जाने ही देती, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट देन आई स्पोक टू कसाम एंड कसाम से यार माय फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी व्हाट इज ऑब्वियसली यू नो अब ही इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो बड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां से उनको भी कॉल जाने लगे, वो बेचारे सब परेशान हो गए, तो बिल्कुल ठीक ठाक इनको एकदम क्या हो गया, फिर मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं कोई तस्वीर लगाऊं या कोई क्लैरिफिकेशन दूं, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए के बारे में क्यों क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, बिल्कुल फिर मैंने एक पिक्चर लगाई और मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वे हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, बट द थिंग इज के दिस इज या इट्स जस्ट अननेसेसरी नेगेटिविटी, बट इट्स ओके, लाइक आई रियली डोंट टेक दीज थिंग्स टू हार्ट, क्योंकि मुझे पता है देखिए एक चीज है, अगर मैं हर चीज से अफेक्ट होंगी ना तो फिर मैं काम नहीं कर सकती, तो इन चीजों पर मैं हंसती हूँ, बट जब मेरे अराउंड लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो उनकी वजह से मुझे कहना पड़ा कुछ करना पड़ा, ये अलाया तक कि ऐसी चीजें जो है नेगेटिव चीजें ऐसी पहुँचती हैं, नहीं अब शी सो स्मॉल शी सो यंग शी 6 years old, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली शी इज ऑल्सो इन द पब्लिक आई, बट लोग बहुत प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग अलाया को बहुत प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, कभी अरे ये तो इतनी बड़ी होगी कल की बात थी तो मैं कहती हूँ है ना, तो वो भी है, इट्स जस्ट प्लस, ऑनेस्टली मेरे साथ मुझे कभी इतना इतनी नेगेटिविटी फेस नहीं करनी पड़ी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये वाली बात पे कि कहाँ है हस्बैंड नहीं है, बट पीपल नीड और ये क्यों नहीं जा रही अपने हस्बैंड के पास, हस्बैंड क्यों नहीं रह रही, ये तो इतने सवाल थे, तो आज मैं सबको बता दूँ भाई कि अलाया को ना कभी भी अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला, सो 5 years ऑफ अ लाइफ उसके पास अमेरिका का वीज़ा नहीं था, हमने बड़ी कोशिश की कि कनाडा में हम कनाडा का वीज़ा उसको मिल जाए, तो मेरे पास वीज़ा मिलना आसान हो जाता है, कसाम के पास था अलाया के पास नहीं था, तो वो थ्रू आउट इतना मुश्किल हो गया कि कसाम की जॉब उधर है, अब मैं बच्ची को अपनी छोड़ के शिफ्ट तो नहीं हो सकती अपने मियाँ के साथ है ना, लेकिन ये जब बड़ी होगी ना तो मैंने वैसे बहुत सारे बच्चों को देखा बिल्कुल अम्मा जैसी हो जाती है, या शी इज योर राइट, इट वुड बी वेरी लाइक फ्रस्ट्रेटिंग और पेनफुल फॉर यू कि जब बच्ची का वीजा ना लग रहा हो, मतलब बच्ची ने क्या स्लिप होना है, लोग यही होता है ना, जब अगर एम्बेसी आपको वीजा नहीं देती तो यही होता है कि शायद ये स्लिप हो जाए, दैट्स हमारी ये अनम जंग की फोटो शूट थी सारे, नॉट दिस वन बट द वन बिफोर दैट, बट या यू राइट यू नो वो बड़ा दिस इज ऑल्सो This is from my sister. और बड़ा इसमें इसने नखरे किए थे भाई, she was like a proper this thing कि नहीं मुझे अभी नहीं करानी, खालन लेकिन बॉस को लियोर किया होगा कि तुम्हें ये दूंगी तुम्हें खालन नाराज होगी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी शी इज योर मॉडल, जरा आप कुछ उसके लिए कैंडीज मंगवाएं, कुछ आप ऐसी जबरदस्ती काम करवा रही है उसको कोई इंसेंटिव दे आप काम करने का,
बट हाँ दिस वॉज इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस बिकॉज सी मदीहा मैं बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती थी. मैं मतलब क्या कहाँ शिफ्ट हूँ अपनी बेटी को अम्मी के पास छोड़ दो चली जाऊँ मैं. तो ऑब्वियसली वी हैड टू वेट थ्रू द इंटायर प्रोसेस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अलाया गई है उसको फिर वीजा मिला है. तो हमारे लिए मैंने आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी लाइक यू नो आई वाज सो एक्साइटेड कि अलाया पहली दफ़ा अमेरिका जा रही. तो लोगों ने उस पर यह भी लिखा कि सो व्हाट्स द बिग डील भाई. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मतलब अपने Now we have the freedom to just go to America, अपने कसाम के पास अपने father के पास तो कभी भी जा सकती है. पहले restriction थी ना वो नहीं जा सकती थी. उसको सिर्फ wait करना होता था कि daddy आएंगे आएंगे तो तब मैं जाऊंगी. So she would cry और जब भी वो कसाम यहाँ से जाता था she would say daddy please put me in your suitcase, you know, take me with you. हम उसको समझाते थे अला you don't have a visa ना you can't go, it's okay just lock me up in the suitcase, I'll take my chips with me. तो वो इतना हार्ट ब्रेकिंग होता था. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात माँ के लिए. तो वाकई यू नो मैं खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो मुझे अलाया मिस करिए मैंने अलाया का हाथ पकड़ा चलो लेट्स गो. हाँ पहले मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था. बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपने जाना तो आपने अकेले जाना उसमें भी फिर आपको इतना गिल्ट हो कि अगर मैं भी अपने काम के सिलसिले में गई हूँ जैसे आपने अपने शोज वगैरह के लिए आप जैसे कनाडा वगैरह भी ट्रैवल करती तो उसमें ये आपको होता है कि मैं पीछे मैं बच्चा छोड़ कर आई हूँ. एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि मेरी बहनें मेरी माय मदर एंड एवरीबॉडी. बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव योर हस्बैंड तो वो एक स्पेस नहीं रहती. वो बच्चा जो फील करता ना कि दोनों नहीं है तो वो वाली चीज हैज अच्छा बहुत प्यारी पिक्चर्स अभी जब टीम चला भी रही. एक बहुत प्यारा जो उसका जो शूट है अलाया का जो प्रॉब्ली व्हेन शी वाज बॉर्न तो उसके बाद एक बड़ा शूट होता है मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है. सो बेबी फोटोग्राफी ने किया था. आई विश कि मैं वो तस्वीरें आज ले आती. कुछ कुछ पिक्चर्स हमारी भी टीम ने भी चलाई भी है फोन में मैं वो ट्रांसफर कर दूंगी. बट वो बहुत क्यूट है एंड यू नो इफ यू हैवंट गॉटन योर शूट डन गो. मैंने हाँ अब तो मेरा माशाल्लाह से 14 माह मैंने तो बहुत मैंने तब भी कराई है. मैंने शुरू में भी कराई बीच में भी मैं यू नो बुक्स उसकी उसकी मेंटेन करती हूँ ताकि हाँ, कल को पूछे मामा तो मेरे पास हो. हाँ देखो मैंने मेहनत की है. अच्छा ये कितनी ये एक एक चीज़ अच्छा मुझे लगता है जब हाँ, बेटियों को ये बड़ा फायदा होता है माँ को कि माँ के जो अपने कपड़े हैं बिल्कुल वैसे मैचिंग अपनी बच्चियों के बनाते हैं. बेटों मैं तो खैर अपने बेटे की भी को लेके बिल्कुल सेम आई डोंट केयर कि मैंने पिंक पहना है उसको पिंक पहनाऊंगी रेड पहना रेड पहनाऊंगी. मदीहा जब आप बड़े होते हैं ना थोड़े से तो फिर आप याद है अम्मी भी हमारे साथ ऐसे करती थी हाँ अम्मी प्लीज डोंट डू दिस यार अपने जैसे कपड़े तो ना पहनाए. और अब देखो वही साइकिल रिपीट हो रही है. अब आप चाहते हो कि आपका बच्चा आप जैसे कपड़े पहने. वही माए बन चुकी है. एग्जैक्टली जो हम कहते हैं प्लीज हमारी जो बातें हैं ये दिल की बातें तो चलती रहेंगी. एक छोटी सी यहाँ ब्रेक लेंगे आप लोग कहीं में जाएगा बहुत कुछ है शो में बहुत मजेदार चीजें करेंगे लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद. मिल गया वो